अब यही गाड़ी है, इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। हम तो आए थे बचाने के लिए, बेचारा गिरा पड़ा हुआ था। 2 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ और हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ, उसको हमने देखे, हमने उठाया। अभी भी मेरे को खून लगा है, मैंने अच्छा खासा सेवा करके उसको एम्बुलेंस में भेज दिया। नमस्कार, सिलवासा न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा के नगरपालिका विस्तार में आई हुई उल्टन फलिया आमली रिंग रोड पर आए दिन हो रहा है सड़क दुर्घटना। निवासियों ने बताया कईयों की जान जा चुकी है अब तक, प्रशासन को ध्यान देने की है जरूरत। गौरतलब बात यह है कि शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे आमली के बालाजी मंदिर की तरफ से स्कूटी क्रमांक DN09E7171 पर सवार 2 युवक रिंग रोड की तरफ जाने को तीव्र गति में निकले और अचानक ब्रेक ना लगने पर वह सीधे रिंग रोड पर बने डिवाइडर पर तेज गति से टकरा गए। ऐसे में आसपास सड़कों पर जो लोग थे वह फौरन चोट लगे हुए युवकों को उठाया और 108 बुलाकर उन्हें सिलवासा सिविल अस्पताल में भिजवाया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, कैसे आए दिन हो रही है सड़क दुर्घटना और स्थानीय निवासियों ने क्या कहा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आसपास की खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि बीते रात जिस तरह से यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 जो युवक थे वो अपने स्कूटी पर बाइक सवार पर दो पहिए बाइक पर वहां से आमली बालाजी मंदिर को होते हुए इस जगह पर आए और आते ही उस जगह पर डिवाइडर पर आकर बाइक को जो है दे मारा। हालांकि अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी तीव्र गति जो थी वो ज़्यादा थी, जिसके बाद यहाँ पर आज पड़ोस में करीब 10:30 बजे रात में जो लोग और जो युवक इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे उन सब ने तुरंत उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर उसे सिलवासा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेज दिया है। अगर हम बात करेंगे तमाम उन लोगों की जो इस जगह पर देखा जाता है, अक्सर जो लोग हैं यहाँ से गुजरते वक्त रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही अगर बात करेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है ब्रेकर नहीं है। तो मैं आप सभी से बता दूं कि किस तरह से लगातार जो काम हो रही है यहाँ पर एक्सीडेंट और दुर्घटना जो है कहीं ना कहीं लोगों को भी एक आश्चर्यचकित कर दिया है। जो हमारे बाजू में इस वक्त राजश्री टावर है, साथ ही इस तरफ अगर बात करें तो एक दंत स्क्वायर है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा उन लोगों से जानने की कि किस तरह से लगातार आए दिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो होती रही है, किस तरह का आपने जैसे कि आपने अभी हमें यहाँ पर आने पर बताया कि आपने यहाँ पर कंप्लेन भी किया हुआ है, तो किस तरह का आपने कंप्लेन किया है? मैंने यहाँ पे जो 8 नंबर के वार्ड के जो है उनसे ऑलरेडी कंप्लेंट की थी नगर पालिका में जाके कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और खास करके बालाजी मंदिर से जो गाड़ी आ रही है डायरेक्ट आ रही है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है जी। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी डायरेक्ट आती है और यहाँ पे रिंग रोड पे जो अक्सर मैंने एक्सीडेंट, क्योंकि मेरा जो घर है रिंग रोड साइड ही है, अक्सर मैंने एक्सीडेंट जो देखे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं रिंग रोड से, मतलब यहाँ से गाड़ी आ रही है सामने से और यहाँ से ठुक रही गाड़ी। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए बालाजी मंदिर के साइड में, ये जो रोड पास हो रहा है, तो अभी तक उसका रिंग रोड उसका कोई इंतजाम किया नहीं है, लेकिन इसका कंप्लेंट हो चुका है, मैंने कर चुके हैं कम से कम इस बात को तकरीबन चार महीना तो हो गया है। 4 महीने पहले मैंने कंप्लेंट दे दिया, उन्हें अजय भाई देसाई से भी एक बार बात की थी, उनको भी बताया था कि ये चीज़ के बारे में कि यहाँ पे एक तो आप सिग्नल रखो या फिर आपके हिसाब से जो अच्छा कुछ रख के ब्रेकर जो भी रखना है आप रख सकते हैं जी। तो आप एक बार करना तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग रोज और रोजाना देख रहे हैं, हफ्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, शाम के वक्त भी काफी एक्सीडेंट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्सीडेंट काफी सारे देखे भी और बहुत सारी मौतें हुई भी है, खाली एक्सीडेंट नहीं हुए यहाँ पे जी, मौतें भी बहुत सारी हो चुकी है। प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? प्रशासन से मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक सोल्यूशन निकाला जाए ताकि यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में भविष्य में एक्सीडेंट कम हो जाए। तो मैं यही, क्या नाम है आपका?
नीलेश माड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर लगातार जो एक्सीडेंट्स है वो काफी हो रहा है, अगर मैं बात करूंगा जिस तरह से नीलेश जी ने बताया शाम के वक्त जब रात में एक्सीडेंट हुआ था, कुछ युवक ने भी बताया था हमें कि किस तरह से एक्सीडेंट हुए, आइए देखिए ये फुटेज जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है। पहले ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ये करीबन 10:35 को एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट होते आ रहे हैं। हमने बहुत लोगों के से गुजारिश की है कि यहाँ पे बम्पर बनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट कोई म्यूनसिपालिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है यहाँ पे। यहाँ पे बम्पर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दिन के 10 से 15 एक्सीडेंट हमारे सामने होते हैं कभी कभी तो जी, और आज 5वां या 10वां एक्सीडेंट है जो हमारे सामने हो रहा है। कितने लोग थे गाड़ी पर, थे क्या गाड़ी पे 2 जन थे और उसमें एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है। ओके, ये आप लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर? हाँ, मैंने एम्बुलेंस बुलवाई यहाँ और हमने देखा है यहाँ पे, हम सीधा अपने ऑपोजिट साइड से आ रहे थे तो उनमें डिवाइडर से एक्सीडेंट हो गया उनका। कहाँ से आ रहे थे लोग? यहाँ से तिरुपति वाले रोड से। अच्छा, इस तरफ जा रहे थे, सिलवासा की तरफ, ये रिंग रोड से निकल रहे थे। ओके, मामला एक एक्सीडेंटल मामला है जो कि ये बिना बम्पर के कारण से ये एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन लगातार हो रहा है, ये हर रोज हो रहा है एक्सीडेंट। इस साइड में इतनी बड़ी मामले में सोसाइटियां सारी बिल्डिंग सब बनी है, इस साइड में सबसे बड़ी सोसाइटी तिरुपति रेसिडेंसी प्लस पूरी अपना एरिया बसेरा पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ से क्रॉसिंग है, आमली का मुख्य, इस जगह से आमली का मुख्य जगह है, यहाँ से पूरा क्रॉसिंग है और इस जगह पे ना कोई बम्पर बनाया है सरकार ने, ना कोई कुछ किया है और इस जगह पे ये सब दुर्घटना आए दिनों में होती जा रही है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ बम्पर बनाए और कम से कम कुछ सहयोग करे जिसके कारण से ये एक्सीडेंट लोगों का जान ना जाए और लोगों की घटना ना हो, लोगों की जान ना जाए, लोगों का घटना हो, लोग थोड़ा संपूर्ण तरह से अपनी जिंदगी जी सके। तो ये था वो वीडियो जिसे देखकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि जो दर्दनाक एक्सीडेंट आप कह सकते हैं जो लगातार यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि पिछले इंटरव्यू में भी लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि किस तरह से जो एक्सीडेंट है वो लगातार हो रहा है। अगर बात करेंगे तो दूसरी तरफ से देखिए लगातार गाड़ी जो है वो तीव्र गति में हमेशा से आई है, अगर दूसरी तरफ बात करें तो पीछे भी लोग रुके हैं जिसके कारण लगातार उस तरफ से भी गाड़ियाँ आती है, और राइट साइड से भी अगर बात करें तो यहाँ अच्छी खासी आमली विस्तार की जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, पुरानी सोसाइटियाँ हैं, वो भी लगातार कहीं ना कहीं आती रहती है, जिसके वजह से लगातार जो है एक्सीडेंट आता है। आप अगर बात करेंगे तो देखिए दूसरी साइड से रॉन्ग साइड से जो गाड़ियाँ आ रही है वो गाड़ियाँ कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा आपको कि किस तरह से वहाँ पर भी रॉन्ग साइड से जो गाड़ियाँ आती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दुर्घटना होने का एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं जो बड़ा बड़ा कारण है वो ये भी कह सकते हैं आप। अगर बात करेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से रॉन्ग साइड से ही जाती है, तो मैं स्थानीय प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, जिला प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो यहाँ पर पुलिस बैरियर का जो इंतजाम किया जाना चाहिए, साथ ही चारों तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिससे लगातार जो एक्सीडेंट और दुर्घटना की जो मामलाएँ आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो। कैमरा पर्सन बिट्टू और वासु के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।